फलका में एक भाभी ने खाने में मिलाया जहर, विकलांग देवर और मासूम बालक अस्पताल में भर्ती। कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र के सोथा उत्तरी पंचायत के बटोरा गांव में आपसी रंजिश के कारण एक भाभी द्वारा अपने सगे विकलांग देवर के भोजन में जहर देकर पूरे परिवार की हत्या के असफल प्रयास का मामला प्रकाश में आया है। घटना को लेकर पूरे गाँव खलबली मच गई। बताया जा रहा है कि विकलांग परिवार जहरीला भोजन करने से एक मासूम बच्चा सहित दो लोग अचेत हो गए, जिसको स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग प्राथमिक उपचार के लिए CHC फलका लाया गया, जहां चिकित्सकों ने इलाज के बाद दोनों का हालत खतरे से बाहर बताया जा रहा है। घटना का कारण आपसी रंजिश को लेकर परिवार के सदस्यों द्वारा भोजन में जहर मिलाने का बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही फलका पुलिस जाँच पड़ताल में जुट चुकी थी। जहरीली भोजन खाने वाले में धर्मेंद्र कुमार पंडित उम्र 25 वर्ष एवं ऋषभ कुमार उम्र 1 वर्ष बताया जाता है। घटना को लेकर पीड़ित धर्मेंद्र कुमारी की पत्नी रंजन देवी ने बताया कि वे मजदूरी करने गई थी। घर में विकलांग पति और पुत्र था। पति को भूख लगने पर घर में रखा खाना खाने लगा और बच्चे को भी खिलाया। जब घर पहुंचे तो खाना खाने के लिए परोसने लगे। इस दौरान खाना में जहर का गंध आ रहा था और पति अचेत होने लगा, जिसे ग्रामीणों के सहयोग से इलाज के लिए CHC फलका लाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उपचार के बाद हालत खतरे से बाहर बताया गया है। घटना का कारण पारिवारिक विवाद को लेकर सगी गोतनी फूलन देवी और मंदिका देवी द्वारा खाने में जहर मिलाने का आरोप लगाई गई है। घटना को लेकर पत्नी व माता पिता रो रोकर बुरा हाल है। मामले में थाना अध्यक्ष उमेश पासवान ने बताया कि पीड़ित का फर्द बयान लेकर मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वही इस घटना को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। हैबत होना चाहिए, ऐसा फिर दोबारा नहीं होना चाहिए। क्या हुआ, क्या घटना घटाया? घटना यही है कि वो चावल में दवाई उवाई दे दिया। हमने थे, हम तो दुर्गापुर में रहते हैं, वहाँ भी। कौन दिया दवाई हमको? तो इसके मुंह से तो वही सब होता है। क्या? कि दोनों पुतों जो है, दोनों एक नारी है, दोनों मिल करके हो सकता है यही काम किया। कितने बेटे हैं आपके? हमको 5 लग। ये विकलांग है जी सर। क्या कारण हो सकता है कि जहर देने का खाना में? खाना में यही है, जब से हम इसका घर बनाए ना, तंत्र बखेरा वो करने लगातार होते रहता है। वो हमारा पुतो कि ये विकलांग है, ये कमाक कभी नहीं दिया, जबकि हम किसी तरह जमीन लिए हैं सर बेटे के लिए। तो हम सोचे जब दो बेटा बना दिए उसको भी, तो इसको भी तो स्थान देना चाहिए, तो इसको भी हम घर बना दिए। इसी दुश्मनी का जो है कि वो खाने में जहर दे दी। हमरे अंदाजा यही लगता है। क्या मांग करते हैं आप? मांग यही करते हैं सर, हम लोग बेटा पुतो सब हम ही का है, बात उसके लिए कोई कराई टाइट कर दीजिए, ऐसा फिर दोबारा नहीं होना चाहिए। सब मिलजुल के रहो, अगर दोबारा होगा तो आगे सोच लें। क्या नाम है आपका? कपिल देव पंडित। घर? घर तो यहाँ जमीन है तो यहाँ भी है, दुर्गापुर है। नहीं, यहाँ कहाँ पर है घर? यहाँ बरेटा चौक से वो काली थान का पक्षी में। आपका पति जहर खा लिया? कैसे खा लिया, हम देखे नहीं ना, कोनो बाद में देखे खा इसीलिए देखे हम बाद में बोले। खाना में कोई मिला दिया था जहर? हाँ। आप नहीं थे घर पे? नहीं थे, हम काम कर रहे थे। कैसे पता चला कि बच्चा और आपका पति खाना में जहर? घर गए ना, देखे था हंडी महक रहा है, इसको नहीं महका, इस खा लिए तब महक रहा था, तार में अंदर मिला के ऊपर से भात। कौन दे सकता है आपके भोजन में जहर? कौन दिएगा, यही दो ठो दिएगा। कौन गुतनी? क्या विवाद उससे चल रहा है? वही वो, मतलब मेरे ससुर बोला कि घर बना दे, यहाँ सबको घर बना दिए ससुरे। मेरे पास कॉल नहीं था, कॉल था ना। हम गुतनी का क्या नाम है आपका? वही मंदिका देवी। आपका क्या नाम हुआ? रंजन देवी। क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए आपको? क्या होना चाहिए आप ही करिएगा फैसला। हम चाहते हैं कि इस मामला का अच्छा जांच किया जाए, आखिर ऐसा क्यों किया हो, इस चीज का जांच किया जाए। और हम क्या चाहेंगे? हमसे दुश्मनी है। किसको? मेरे भाई को। तभी तो ये काम किया हुआ है, तो अनजाने में बहुत दिनों से जो है मौके का तलाश में था, और आज
मौका मिल गया ये काम कर बैठा। क्या किया उन्होंने मेरे घर में जब मैं हम मेरा बांस का टट्टी है तो उसमें क्या किए हम ताला मार देते थे, दूसरी तरफ जो है रस्सी तीन तीन जगह रस्सी लगा हुआ था, एक जगह लगा हुआ है दो जगह कटा हुआ है ब्लेड से, अब जो भी चीज़ से कटा हुआ हो हम नहीं देखे और कटा हुआ था, और जब हम खोले ताला खोले तो उस वक्त भी हमको टेर नहीं चला, जिस रोज जब हम खाते थे उस दिन आज मेरा अंगना है घर है तो हम वहीं खाना रखेंगे कहाँ रखेंगे, तो वहीं मुझे ना नहीं देख के वो ऐसा अंजाम, दो तीन आदमी का काम है कोई सीआईडी में। खाना में क्या मिला दिया था वो सर? काला काला जो है थार्मेट टाइप का होता है, जहर मिला दिया था, यानी वो सब जहरे में आता है सर। तो आप उसको कैसे वो पता नहीं चला खा नहीं सर वो कैसे पता चला? जैसे कि एक भी बार कोई नहीं खाया हुआ था, सुबह जो बनाया हुआ था ना कोई खाना खाया नहीं था, तो रात में बासी उसी बचा था तो सोचे क्या बर्बाद करेंगे अनाज है वही खाए। जब खाना बनाई मेरी बीवी तो उन्होंने क्या जब वैसे जब हंडी से नया थी कीजिएगा तो भात तो जम जाता है ना, तो उसी तो प्रकार से वैसे उल्टा करके नीचे में दे दी थी, ऊपर से जो है पहले ठीक प्रकार का चावल उसमें अथी मिला दिया। आप खाना खा लिए थे जहर वाला? और जी हम खाना खाए, हमको तो भूख लगा हुआ था, हम थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही खा लिए लेकिन उससे पेट भी नहीं भरा, और खाते तब तक मैं जो है ना मेरा बच्चा भी रो रहा था तो वो भी उसको हम दो तीन अथी खिलाए थोड़ा सा भी खाए तब तक। कौन कर सकता है आपके साथ ये? मेरी भाभी कर सकती क्या है। क्या नाम भाई? फूलन देवी। मेरी भाभी जो है मेरा भाई और कोई मेरा सब बढ़िया आदमी है, वहाँ किसी से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मिट्टी गिरता सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार पंडित। कटिहार से संवाददाता चंदन कुमार चौधरी की रिपोर्ट।